कस्टमर कौन है? कस्टमर इज द किंग. कस्टमर है, कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर. हम सबने ये कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है. अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ब्रांड्स लाखों रुपए होर्डिंग्स एडवर्टीजमेंट्स में खर्च करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाने वाली फ्राइज, फिजी, सॉफ्ट ड्रिंक जितने माउथ वाटरिंग और गॉर्जियस दिखते हैं, वो रियल लाइफ में वैसे क्यों नहीं दिखते? सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही क्यों? इवन पैकेज फूड के बॉक्स पर अट्रैक्टिव दिखने वाली चीजें भी असल में वैसी नहीं होती. नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लाइन में. आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्टीजमेंट में यूज किए जाने वाले इंटेलिजेंट और डर्टी ट्रिक्स, जिसे देखकर आप भी कहेंगे उल्लू बनाकर प्रोडक्ट्स बेचना तो कोई इन लोगों से सीखे. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कैसे बनाया जाता है हमें उल्लू. नंबर वन, क्रोमा. आपको क्या लगता है इस एडवर्टीजमेंट में ये मॉडल के बाल कैसे उड़ रहे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोचता था, के 3-4 फ्लोर फैन लगाकर बाल उड़ाए जाते हैं? लेकिन दोस्तों, हेयर प्रोडक्ट्स में दिखने वाले मॉडल्स के बाल फैन से नहीं बल्कि ग्रीन स्क्रीन की मदद से उड़ते हैं. जी हाँ, ग्रीन स्क्रीन के पास ग्रीन कपड़ों में लोग इस तरह से बाल को उड़ा रहे होते हैं, जिसको बाद में एडिटिंग करके हटाया जाता है और ग्रीन स्क्रीन के बदले बैकग्राउंड लगाया जाता है, जैसे कि ये या फिर ये. अब आप कहोगे कि ग्रीन कपड़ों में लोगों से मेहनत करवाने से अच्छा है कि 3-4 पंखे ही या 2 कूलर्स ही लगा दो. लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि पंखे की मदद से बाल ऐसे उड़ेंगे या फिर ऐसे. तो अब हम जानते हैं ना कि एक शानदार एडवर्टीजमेंट को बनाने के पीछे इन ग्रीन मैन का हाथ है. कमर्शियल्स में बाल उड़ने की बात तक तो ठीक है, लेकिन जब हम ये एडवर्टीजमेंट्स को देखकर वही शैम्पू दुकान से खरीद कर लाते हैं और उसे करने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बाल भी उन मॉडल्स की तरह शाइन करेंगे, तब जो हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता है, इसका अंदाजा शायद सभी को होगा. इसके पीछे भी 2 कारण हैं. एक तो ये कि ये मॉडल्स के असली बाल नहीं बल्कि एक्सटेंशंस होते हैं, और इनके बाल को पहले तो स्ट्रेट किया जाता है, फिर एक फिल्टर और लाइट की मदद से बालों को शाइन और ग्लॉसी दिखाया जाता है. मेरा तो मानना है कि अगली बार किसी शैम्पू की एड देखकर खरीदने से बेहतर है घर के नुस्खे ये ऑर्गेनिक शैम्पू अपनाएं. एटलीस्ट आपके बाल केमिकल्स की हानि से तो बचेंगे. नंबर 2, लिक्विड ग्लू. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील है, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाए बिना ना हमारा दिमाग काम नहीं करता, और साथ ही इसके बिना हमारा मूड भी काफी चिड़चिड़ा सा रहता है. वैसे ब्रेकफास्ट से याद आया, टेलीविजन पर आपने कॉर्नफ्लेक्स के एड्स तो देखे ही होंगे. आपने देखा होगा कि जब एडवर्टीजमेंट्स में आपके मनपसंद फ्लेवर के करकरे करकरे कॉर्नफ्लेक्स दूध में गिरते हैं, तब वो देख कर ही हमें खाने का मन होता है. लेकिन जब आप सुपरमार्केट से कॉर्नफ्लेक्स घर लाकर दूध में डालते हो, तो वो एड की तरह दूध में तैरते नजर नहीं आते. दरअसल जो हमने कॉर्नफ्लेक्स के एडवर्टीजमेंट में दूध देखा है ना, वो सिर्फ रंग में दूध जैसा सफेद होता है, लेकिन असल में वो लिक्विड ग्लू होता है, जैसे फेविकोल. एडवर्टीजमेंट्स और फोटोग्राफर्स दूध का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि दूध काफी पतला होता है, उसमें कॉर्नफ्लेक्स दूध को सोख करके नीचे चले जाते हैं, और इसलिए उन्होंने ये टेक्निक निकाली, इससे दूध काफी गाढ़ा दिखेगा और कॉर्नफ्लेक्स कभी नीचे भी नहीं जाएंगे. हो गया ना, दूध का दूध, पानी का पानी. नंबर 3, साइकोलॉजी ट्रिक. क्या आपने कभी गौर किया है कि सारे सुपरमार्केट एक जैसे ही होते हैं? दरअसल ये हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं. ऐसा सुपरमार्केट का लेआउट सबसे ज्यादा पैसे कमाता है. हर रोज का सामान जैसे दूध, ब्रेड, जो हम सभी लोग खाते हैं, को एक स्टोर के कोने में रखे जाते हैं. वहीं दूसरी जरूरतमंद खान पान की चीजें जैसे आटे, दाल को दूसरे एंड पर रखा जाता है, और बीच का एरिया ऐसे महंगे प्रोडक्ट से भरा होता है. यानी अगर आपको दूध लेने के बाद आटा लेना है, तो आपको ये सारे टेम्पटिंग महंगी चीजों से गुजरना होगा. इसका हमारी साइकोलॉजी पर काफी असर पड़ता है, और हमें ये लगने लगता है कि हमें उन महंगी चीजों की भी जरूरत है, जबकि असल में वो हमारे किसी काम की नहीं होती. नंबर 4, फोम. अब जब ऐसे में घूमते हुए आपकी नजर मुलायम टॉवल के सेक्शन पर पड़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि इसे काफी नीटली फोल्ड करके रखा जाता है, लेकिन कई बार ये एक इल्यूजन होता है, बल्कि वहाँ इतने सारे टॉवल्स होते ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक टॉवल को ही फोम में फोल्ड करके कई टॉवल जैसा बना दिया होता है, और हमें लगता है कि वहाँ कितने नीटली फोल्ड किए हुए टॉवल्स हैं. नंबर 5, वैक्स. एक चीज जिसे फोटोग्राफी में कैप्चर करना मुश्किल है, वो है सॉसेस. ये काफी वॉटरी और थिन होते हैं, और साथ ही कैमरे में इनके कलर काफी डल दिखते हैं, इसलिए फोटोग्राफर्स इनमें वैक्स का इस्तेमाल करते हैं.
वैक्स से इनकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है और वैक्स में कलर एडिटिव्स डालने के बाद सॉसेस का कलर और भी अट्रैक्टिव लगने लगता है। नंबर 6, मैश्ड पोटैटोज। गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है, और जब हम आइसक्रीम की तस्वीर देखते हैं तो हमारा मन खाए बिना रह नहीं पाता, लेकिन उन फोटोज में आइसक्रीम नहीं कुछ और ही होता है। फोटोग्राफर्स को आइसक्रीम की फोटोज लेने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। परफेक्ट शॉट मिलने के लिए कई घंटे लग जाते हैं और इसमें एक नहीं कई आइसक्रीम्स मेल्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आइसक्रीम्स की फोटोज लेते वक्त रूम में स्टूडियो लाइट्स की गर्मी की वजह से आइसक्रीम तुरंत पिघलना शुरू हो जाती है, इसलिए इसमें आइसक्रीम के बजाय मैश्ड पोटैटोज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इतना अच्छे से किया जाता है कि किसी का भी ये यकीन करना कि वो आइसक्रीम नहीं मैश्ड पोटैटोज हैं काफी मुश्किल होता है। इसका मतलब एड में जिस आइसक्रीम को देखकर हमारा मन ललचाता है वो आइसक्रीम नहीं बल्कि कलोरेशन और पेंट किए हुए मैश्ड पोटैटोज होते हैं। नंबर 7, चिकन ट्रैक। जरा सोचिए, आपने अपने घर में पार्टी रखी है और चिकन बनाने का सोचा है, लेकिन जब आपका चिकन बनकर रेडी होता है तो आपके पार्टी के मूड की तरह टाए टाए फिश हो जाता है, क्योंकि आपका चिकन टीवी के एड पर दिखाए जाने वाला चिकन जैसा प्लम और अच्छा नहीं दिख रहा है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाए जाने वाला चिकन अनकुक्ड होता है, जिसमें मैश्ड पोटैटोज यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स को स्टफ किया जाता है और जस्ट कुक परफेक्ट लुक देने के लिए ये पेंस या स्प्रे तक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, स्टायरोफोम। पास्ता और नूडल्स जब हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो काफी पिचका हुआ दिखता है, वही एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाने वाला पास्ता और नूडल काफी फ्रेश और फ्लफी दिखते हैं। एडवर्टाइजर्स बाउल में पहले स्टायरोफोम से एक बड़ा डोम बनाते हैं जिसके ऊपर पास्ता और नूडल्स रखा जाता है, जिसकी वजह से नूडल्स और पास्ता स्लिप नहीं होते और पिचकते नहीं है। स्टायरोफोम में स्टरीन नाम का एक हार्मफुल केमिकल होता है जो इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक है, इसलिए असल जिंदगी में इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9, फिजी ड्रिंक्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो उसमें फिजी यानी बबल्स नहीं होते? ऐसा सभी के साथ होता है, एडवर्टाइजर्स के साथ भी। हम सब जानते हैं कि कमर्शियल्स बनाने के लिए कई रीटेक्स किए जाते हैं और ड्रिंक्स तुरंत अपना फिज लूज कर देते हैं। उसके फिज को बरकरार रखने के लिए एडवर्टाइजर्स एंटासिड की मदद लेते हैं। एंटासिड टैबलेट का रिएक्शन लिक्विड के साथ एक अमेजिंग विजुअल्स को क्रिएट करता है और उसे देखकर हमें तुरंत हमारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। नंबर 10, कॉटन बॉल्स। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि एक परफेक्ट क्लिक पाने के लिए एडवर्टाइजर्स को काफी टाइम लगता है। ज्यादातर फूड आइटम्स में वाटर कंटेंट काफी कम होता है और ऐसे में खाने को ज्यादा टाइम तक स्टीमी रखना पॉसिबल नहीं होता, और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बार बार खाने को गर्म करे। और दूसरी बात ये कि बार बार खाने को गर्म करने से वो जल भी सकता है, तो एडवर्टाइजर्स इसके पीछे काफी इंटेलिजेंट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये एडवर्टाइजर्स कॉटन बॉल का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कॉटन बॉल्स में पानी को होल्ड करने की एक अच्छी क्षमता होती है जिसके कारण ये ज्यादा स्टीम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए ये एडवर्टाइजर्स गर्म चीजों के आसपास ये कॉटन बॉल्स को रख देते हैं, जिसकी वजह से फूड ज्यादा टाइम तक स्टीमी रहता है और वो जस्ट कुक्ड का इल्यूजन देता है। नंबर 11, स्टीमर्स। कॉटन बॉल्स की तरह ही यहाँ भी गर्म खाने के आसपास स्टीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से गर्म खाने के आसपास धुआं होता है और ठंडे होने के बावजूद एडवर्टाइजमेंट में हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो खाना गर्म ही है। नंबर 12, कार्डबोर्ड। जब हम एडवर्टाइजमेंट में पेस्ट्रीज या केक्स देखते हैं और जब असल में हम पेस्ट्री या केक मंगाते हैं तो दोनों में काफी फर्क देखने को मिलता है। एडवर्टाइजमेंट में पेस्ट्रीज के लेयर एकदम यूनिफॉर्म और परफेक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में केक और पेस्ट्रीज की लेयर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए कार्डबोर्ड्स का यूज किया जाता है और इस कार्डबोर्ड को पेंट किया जाता है। साथ ही व्हिप्ड क्रीम जल्दी मेल्ट होने की वजह से उसके बदले शेविंग फोम को एडवर्टाइजमेंट्स में यूज किया जाता है। नंबर 13, शू पॉलिश। क्या आप जानते हैं बंस पर परफेक्ट ग्रिल मार्क्स के लिए शू पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका फोटो परफेक्ट आए। नंबर 14, डिओडोरेंट स्प्रे। आपने कभी नोटिस किया है कि एडवर्टाइजमेंट्स में सारे फ्रूट्स कितने ताजे फ्रेश और शाइनी लगते हैं, और हम जब बाजार में वही फ्रूट्स लेने जाते हैं तो वैसे फल हमें मिल ही नहीं पाते। एडवर्टाइजमेंट्स में भी ऐसे ही फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हमें इसलिए शाइनी लगते हैं क्योंकि उस पर डिओडोरेंट या स्प्रे यूज किया जाता है जिससे कि वो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगे। नंबर 15, फेक टैन।
अब वेट लॉस के लिए आपको डाइटिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फेक टैन आपको तुरंत फिट और स्लिम दिखने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काउंटरिंग सिर्फ गालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम आपको बता दें ये शरीर पर भी मजेदार रिजल्ट्स देता है। इसीलिए तो वेट लॉस के एडवर्टीजमेंट में इस फेक टैन का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल बस फेक टैन पूरे शरीर पर लगाती है, सांस अंदर लेती है और एक परफेक्ट पोज देती है। नंबर 16, ग्लिसरीन ऑयल। आपने फ्लफी पैनकेक्स मैपल सिरप के साथ एडवर्टीजमेंट में तो देखा ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें एडवर्टीजमेंट्स में आपके मैपल सिरप के बदले ग्लिसरीन ऑयल का यूज होता है, क्योंकि पैनकेक्स मैपल सिरप को काफी जल्दी सोख लेता है और परफेक्ट शॉट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इन सब के अलावा टूथपिक्स, डेकोरेटिव स्प्रिंकल्स जैसी चीजों का भी एडवर्टीजमेंट में फोटोज को मोहक दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही क्यों, असल जिंदगी में भी कस्टमर्स को कंपनियां काफी बेवकूफ बनाने का काम करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चिप्स। आई एम श्योर हम सभी लोगों ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम सुपरमार्केट में चिप्स का बड़ा पैकेट देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें ज्यादा चिप्स होंगी। घर आकर हमें पता चलता है कि हमने चिप्स के नहीं बल्कि हवा के पैसे दिए हैं। हम आपको बता दें कि इन पैकेट्स में कोई आम हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। कंपनी का ये एक्सप्लेनेशन होता है कि ये चिप्स ना टूटें और क्रिस्पी रहें, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग थ्योरी भी है जो हमारी प्रवृत्ति से जुड़ी है। हवा होने की वजह से हम में ये भ्रम पैदा होता है कि इसमें चिप्स ज्यादा हैं, और इसीलिए हमें बिना हवा वाले कभी पैकेट दिख भी जाएं तो भी हमारा दिमाग उसे खरीदने नहीं देता है। कंपनीज का ये भी कहना है ये नाइट्रोजन गैस से चिप्स को कुशनिंग मिलती है और उनका स्वाद भी बना रहता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ चाहे पैकेट में कितनी भी हवा भरी हो वो चार चिप्स खाने का अलग ही मजा है। दोस्तों, क्या आप भी एडवर्टीजमेंट द्वारा कमर्शियल्स में यूज किए जाने वाली कोई इंटेलिजेंट या डर्टी ट्रिक्स जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली मजेदार वीडियोस का लुत्फ आप उठा सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी।